अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राष्ट्र सहारा रोजनामे की चंद अहम खबरें। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुध को 13 नवंबर को होने वाले वायनाड लोकसभा जमनी इंतखाब के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। मोहतरमा वाड्रा ने कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर डीआर मेघेश्री के सामने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। वो दोपहर तकरीबन 12 बजे कलेक्ट्रेट पहुंची और नामजदगी दाखिल करने के अमल को मुकम्मल करने में तकरीबन 35 मिनट लगे। नामजदगी दाखिल करने के दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा रुकन और कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के सदर सोनिया गांधी, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और एआईसीसी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल उनके साथ थे। बाद में मोहतरमा वाड्रा के शौहर रॉबर्ट वाड्रा और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रियासती सदर शहाब तंगड़ भी उनके साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। मोहतरमा सोनिया गांधी और मोहतरमा वाड्रा मंगल को वायनाड पहुंच गई थी, जबकि मिस्टर खड़गे और मिस्टर राहुल गांधी आज सुबह यहां पहुंचे। पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पहले गलीपेटा नए बस स्टैंड से गलीपेटा तक रोड शो का आगाज तकरीबन 10:30 बजे हुआ। तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहने वाले 1.5 किलोमीटर तवील अवामी रोड शो में कांग्रेस के तमाम सरकर्दा लीडरों ने हिस्सा लिया। रोड शो के दौरान कांग्रेस की क़यादत में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के हज़ारों कारकुनान, ख़वातीन और बच्चों समेत पार्टी के झंडे, ढोल और प्ले कार्ड उठाए अपने प्यारे लीडरों को देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ जमा हुए। अपनी नामजदगी दाखिल करने से कबल गलीपेटा में एक जलसे आम से खिताब करते हुए मोहतरमा वाड्रा ने कहा कि मैंने 1979 से गुज़िश्ता 35 बरसों तक अपने वालिद राजीव गांधी, वालिदा सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई है, लेकिन ये पहली मर्तबा है कि अपने लिए मुहिम चला रही हूँ। मैं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे वायनाड हल्के से इलेक्शन लड़ने का मौका दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए मिस्टर राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड हल्के से 2 MP हैं, एक सरकारी और दूसरा गैर सरकारी होगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि प्रियंका गांधी और वो दोनों मिलकर काम करेंगे और वायनाड के लोगों के मसाइल को लोकसभा में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि प्रियंका गांधी वायनाड के लोगों की ज़रूरियात के लिए कुर्बानियां देंगी, जैसा कि वो अपने ख़ानदान के अफराद और अपने दोस्तों के लिए करती रही हैं। वो वायनाड के लोगों को अपना ख़ानदान मानती हैं। उन्होंने वायनाड के लोगों से अपील की कि वो प्रियंका गांधी का ख्याल रखें और वो पार्लियामेंट में आपके लिए ज़रूरी काम करेंगी और मैं भी आपके लिए काम करूँगा। मिस्टर खड़गे ने कहा कि हम मुल्क के इतिहाद के लिए उम्मीद और ताकत के साथ इकट्ठे हुए हैं। वायनाड के लोग भारी फर्क से जीत कर यकीनी बनाएंगे, क्योंकि वायनाड हल्का और कांग्रेस के दरमियान गहरा ताल्लुक है। मैं वादा करता हूं कि प्रियंका गांधी वायनाड के लोगों का मुकम्मल तौर पर ख्याल करेंगी। उनकी खिदमत न सिर्फ वायनाड बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए भी ज़रूरी है।